ये हमारा झगड़ा है, हम ये हिलते है, हमको किसी के शरम करने की कोई बात नहीं। संविधान से पहले हुआ है, संविधान बात नहीं हुआ है, संविधान से पहले हम तो यहाँ है। ये माटी, ये जमीन, यहाँ का जल वायु जो भी है ये हमारा है। इसलिए किसको बोलते रहना, जो क्या बोलता है उसका हमको शरम करने का जरूरत है। तुम लोग शरम करो, जो ऐसे सोचता है तुम लोग शरम करो कि तुम लोग सोच सके हमारी जगह पे आके हाथ चलना पड़ रहा है। हम तो किसी जगह में नहीं जाए, कहीं गए हैं कुछ बड़े लोग, कहीं जाके किसी के पास भीख मांग रहा है, नहीं मांग रहा है। इसलिए लोगों को करना पड़ेगा अपनी हक के लिए, अपने राज्य के लिए। अब जब नाराज करना है तब तो संघर्ष होगा, शहीद भी होना पड़ेगा। और जब शहीद होना पड़ेगा तब मुझे कभी कभी याद आता है जब बड़े लोगों ने 1984-85-86 में आसाम में नया एक आंदोलन करने के लिए सोचा था, सिर्फ त्रिपुरा के लोगों को देखकर सोचा था। जब पीएम जी ने यहां पर आंदोलन किया 84 में, जब यहां ऑटोनोमस काउंसिल बनाया गया, उसको देखकर बड़े लोगों को एक एनकरेज मिला कि हमें त्रिपुरा को फाइटिंग करना है। 1987 जब हमारे पिता गठबंधन के लिए नेतृत्व दिया आशुक के समारोह के नाम पर उपेंद्र नाथ ब्रह्मोर, जो छोटा सा उम्र था जस्ट 30 ईयर, उसी समय पर 30 ईयर से भी थोड़ा कम उम्र का था हमारे नेता, जिसको हम लोग अभी अपना पिता मानता है बड़ो लोग, उपेंद्र नाथ ब्रह्मोर, उनका जबरदस्त सारे बड़े लोगों ने जुड़ा उसी टाइम पे, उनको पेपराइज किया था कि आपको ही बोरों को नेतृत्व देना है और बोरों के समस्या के लेके आंदोलन करना है, और इसमें आपके नेतृत्व के दूर हो एक हाई लेवल टीम ऑफ आईपीएटी विल बी विजिटिंग दिल्ली एट द एंड ऑफ दिस मंथ ऑफ दिस वर्ष और constructive dialogue with the government of India, especially when it's the Honorable Prime Minister of India and Honorable Home Minister of India and other cabinet ministers, in order to sort out the issue of completion of the high-level policy committee report and implement them here. Apart from that, there will be complete discussion about the enactment for inclusion of Tripura, the official language of Tripura, in the 8th schedule of the constitution with the district of Tripura.